अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग BRS का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 बनाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे 10, 11 बनाए तो उसी तरीके से है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बना लेते तुरंत, सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जा रहा होगा। यहाँ पे हम लोग ये दोनों अमाउंट को प्लस करके यहाँ पे लिखे हैं। सिंगल सिंगल भी दिखा सकते हैं मगर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है ना जी। देखिए यहाँ पे आप एक ही बार कैलकुलेशन करके शो कर दीजिए तो आपको उतना चार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसको इक्वल अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ये आपका चॉइस है। मगर इस टाइप से प्रेजेंट करिए तो एग्जामिनर पर आपका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि अच्छा इतना गिजबिज नहीं है कॉपी, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सिंपल सा ही है, बहुत ही सिंपल है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, BRS ऑफ क्वेश्चन में दिया रहता है कि कौन किसके नाम से प्रिपेयर कर रहा है, पासबुक या पासबुक। तो फिर ये डेट भी गिवन रहता है। तो ये सब आप छोटा छोटा बात जो है वो मैं बताई हूँ बहुत बार, मैं आप बहुत से स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं, मत छोड़िएगा मत, ये सिली मिस्टेक आपका मार्क्स काट ले जा सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? ये सब छोटा छोटा बात आपका मार्क्स को काट लेगा, माइनस करा देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा बात पे भी कंसंट्रेट या फिर आप फोकस करिए। ये पार्टिकुलर अमाउंट सब कुछ ब्लैक पेन से स्केल करिए, ब्लू से लिखिए, ऐसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि 2 घंटा से ब्लैक ब्लू पेन के तो आपका टाइम चल जाएगा, आपको मैनेज करके करना पड़ता है ना सब कुछ, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन में 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही सिंपल है ना जी। चलिए बना लेते हैं तुरंत। मुझे नहीं लगता आप कुछ आपको बताने का ज़रूरत है, क्योंकि आपको इंट्री देख कर ही समझ में आ जा रहा होगा कि कौन चीज़ कहाँ पे प्लस हो रहा है, कौन चीज़ कहाँ पे माइनस हो रहा है, कौन चीज़ कहाँ पे पासबुक में प्लस है, कौन से कैशबुक में प्लस है, कौन डेबिट में जा रहा है, कौन क्रेडिट में जा रहा है, कहाँ पे डेबिट बैलेंस से क्लोज किया जा रहा है, कहाँ पे क्रेडिट बैलेंस से क्लोज किया जा रहा है, कहाँ पे पासबुक बना रहे हैं, कहाँ पे कैशबुक बना रहे हैं। ये सब चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने इतना सारे क्वेश्चन बनाए। देखिए कि कितना इजी तरीके से बन गया हम लोग का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 भी जो है वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। ओके स्टूडेंट।